गुड मॉर्निंग गाइस। सो वी आर ऑल सेट अप, हम पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। यहाँ पे सुबह थोड़ा पानी का प्रॉब्लम आया क्योंकि रात भर से बारिश हो रही थी, तो थोड़ा लेट हो गया है। अभी हम निकल रहे हैं सीधा गुलमार्ग के लिए। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं नीचे, देन चलते हैं स्ट्रेट गुलमार्ग। रेडी? रेडी, यस। चलो, अब हम आपको वादियाँ भी दिखाएंगे। यप, फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। सो गाइज, वी हैड आवर ब्रेकफास्ट। मैंने आपको होटल बाहर से तो दिखाया ही नहीं था, लेट मी शो यू। सो दिस इज आवर होटल, होटल सेवन हिल्स, एंड हमारी कैब भी आ गई है। सो गाइज, हम निकल चुके हैं गुलमार्ग के लिए। मैक्स 2 आवर्स लगता है श्रीनगर से, बट अभी यहाँ पे ना बारिश नहीं रुक रही है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। सो या हो सकता है हमें स्नोफॉल मिले ऊपर। सो चलते हैं, एंड गुलमार्ग का सब कुछ मैं कवर करती हूँ ऊपर जाके। सो गाइज, वी आर फाइनली एट द ड्रंक वाटरफॉल, जो कि बहुत ही पॉपुलर है विंटर्स में। बट अभी इतना विंटर नहीं है जिसकी वजह से वाटरफॉल पूरा सूखा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। लुक एट दिस, पानी बिल्कुल सूखा है जिसकी वजह से वो जो स्नो जम जाती है वो नहीं जम रही है इस पे। बट स्टिल व्यू सही है। व्हाट वाज दैट? जी, अभी नहीं जमता है ना? ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इनका डैम है ऊपर। ऊपर जो नहर आ रही है, ऊपर स्लाइड आया हुआ है, बंद है इसलिए। ओके, ये निकालो, फोन हमको दो, हम आपको एक वीडियो बना। सो गाइस, दिस इज मैन मेड वाटरफॉल, ऊपर डैम है, वहां से फॉल आ रहा है। एंड गाइस, यहाँ पे आने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारे कैब वाले ने भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया है क्योंकि वो बोल रहा था आगे कार नहीं जाती है, ATV राइड से आप आगे जाते हैं। बट हमने ATV राइड नहीं ली है क्योंकि ATV राइड बोल रहा था 4000 पर पर्सन, एंड बारिश भी हो रही है, उसमें हम पूरा भीग जाते हैं। तो हम अपनी कैब से ही यहाँ वाटरफॉल तक आए हैं। तो आप गुलमार्ग आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर विजिट करना इस वाटरफॉल पर, एंड विंटर्स में तो मस्ट विजिट है, पूरा जमा हुआ स्नो दिखती है। चलो अभी थोड़ा रील वील शूट करते हैं, फिर चलेंगे गुलमार्ग। टर्न एंड टर्न, देखो। सो गाइस, हमने बहुत सारी रील बना ली है, फोटो खिंचवा ली है। यहाँ पे भैया आते हैं, फोटो खिंचवा लो, अच्छी बना देते हैं, उनको आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं, लगातार बारिश हो रही है, वाटरफॉल तो सूखा हुआ है, चलते हैं सीधा गुलमार्ग। सो हियर वी आर, डायरेक्टली लैंडेड इन गुलमार्ग, एंड आई कांट बिलीव माय आइज, लाइक दिस इज अमेजिंग। लेट मी शो यू, बैक से दिखाती हूँ। सो गाइज, जा रहे हैं अब हम बर्फ की तरफ। तो लाइक जो भी गुलमार्ग आ रहा है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करती हूँ, इंक्लूडिंग गुंडाला राइड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी मैडम पहन के आ गई हैं।
हिल्स वाले बूट जो कि बर्फ में स्लिप हो रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं बूट लेने एंड जैकेट लेने। इसने मेरे को हाँ बोला था कि हील्स वाले चल जाएंगे, वैसे तो चल रहे हैं। देखो हमारी हालत, बट थोड़ा स्लिपरी हो रहा है। सो यहाँ पे ना बार्गेनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो हमें एक जैकेट एंड टू बूट्स 800 बोले थे, बट अब हमने 400 में डन किया है। चलते हैं, पहले पहनते हैं फिर आगे घूमेंगे। सो गाइस, फाइनली हमने ले लिया है रेंटेड जैकेट एंड द बूट्स। नाउ इट्स कंफर्टेबल AF। यस, अब हम भीग भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं है। एंड ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा है। खाली स्क्रीन का दोनों के ना? नहीं, 4000 नहीं, इतना नहीं है बजट। आप बताओ ना, 1500 में दोनों करा दो। एक बात है, 1500 में दोनों को एक बार टिकट देंगे। हां, ओ नहीं नहीं, आधा घंटे बाद मिल जाना। गाइस यहां पे घुसते साथ ही आपके पीछे लग जाएंगे लोग, स्लेच कर लो, स्कीइंग कर लो, बट इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी स्नो के मज़े ले रहे हैं एंड स्ट्रेट अभी वहाँ उस टेंपल, वहाँ पे टेंपल पे जा रहे हैं। तो अभी टेंपल पे चलते हैं, फिर देखेंगे क्या करेंगे। एंड अभी तक का हमारा प्लान है कि हम स्लेज करेंगे सोनमार्ग में एंड यहाँ पे स्कीइंग करेंगे। सो लेट्स सी। सो गाइस, गुलमर्ग आने से पहले द मेन थिंग टू नोटिस इज दैट कि आप अपनी गंडोला राइड ऑनलाइन ही बुक करा लो। अब ऑनलाइन ही होती है, अब यहाँ पे आके नहीं होती है, वो क्लोज हो चुकी है। तो इट्स बेटर आप ऑनलाइन ही बुक करा के आए। एंड ऑनलाइन भी 15 दिन पहले ही खुलती है, मंथ के 15th एंड 30th को खुलती है फॉर दी 15 डेज। तो अ बैड न्यूज़, हमें गोंडाला नहीं मिली। मैं डेली चेक कर रही थी, बट ड्यू टू ट्यूलिप सीज़न बहुत रश है, बहुत क्राउड है, सब कुछ फुल हो गया था। तो दे लाइक हमेशा टिकट 00 ही दिखा रही थी, बट कोई नहीं। बर्फ़ इस टाइम ना नीचे भी इतनी है कि ऊपर जाने की ज़रूरत है नहीं। जनरली लोग गर्मियों में ऊपर जाते हैं क्योंकि यहाँ नीचे बर्फ़ नहीं होती है। तो आप नीचे भी पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, जैसे वो मंदिर है एंड नीचे ही बहुत एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, स्कीइंग, स्लेज सब हो रहा है। सो इट्स बेटर ऑनलाइन आप पहले से ही बुक करके आएँ। यहाँ पे आके कोई भी सिस्टम नहीं है ऊपर जाने का। एंड गाइस लुक, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना यहाँ पे, मेरा पैर पूरा ऐसे धंस रहा है अंदर। लेट मी शो यू, चेक दिस आउट गाइस, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है ये। यहाँ पैर रखते ही सीधा अंदर है, बच बच के चलना पड़ रहा है। तो गाइस चलते हैं भाग के अभी। चल तो नहीं जाएंगे ना उसमें? हाँ धस जाएंगे, जाएंगे। पूरा पैर धस जाएगा और तू नहीं पाएगी। दिस इज फन, दिस इज फन। हाँ जी भैया, हाँ स्केटिंग पे, स्कीइंग का हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे मंगवाया ना हमने, स्कीइंग का यहाँ पे कैसे होगी स्कीइंग? वहाँ से करनी होगी उसी, वही तो बोल रहा था ना, हमने बोला था ना आपको गाड़ी दो वहाँ से, तुम पैदल आ जाएंगे वहीं से स्कीइंग करा दो। करोगे कि विद ट्रेनर? प्राइस बताओ दोनों का। विदाउट ट्रेनर करोगे तो 800 रुपीस, विद ट्रेनर करोगे कि 1000 एक्स्ट्रा, 1800। कितना टाइम लगता है विद ट्रेनर और जितना टाइम के लिए करना चाहो उतने टाइम के लिए? दो जनों का वही 3600 रुपए। 1800। हेलो बना, ज़्यादा बता रहे भैया। मैडम गाइस
हमें ये तो चाहिए ही नहीं, ऊपर से कराना भैया, सिर्फ हाँ स्लेट नहीं चाहिए। चलो आप इसे बोला ना 3600, सिर्फ स्कीइंग चाहिए, इसने बोला ना 3600, अब 2500 देना दो पर। चलो विदाउट ट्रेनर करा दो भैया, अभी तो आप 2000 रुपए में दो जनों के स्कीइंग और प्लस स्केटिंग कह रहे थे, आप 1000 में, आप बोल रहे हैं ना टीचर साथ में, हां टीचर के साथ 1000 रुपए विदाउट विदाउट हजार दो पर 2000 ना ना विदाउट ट्रेनर 1000 में दोनों का विद ट्रेनर। ट्रेनर क्या करना है हमें, नॉर्मली तो खुद चलाएगा, खुद चला लेगा, हम खुद आ इधर पे, हां गिर जाएंगे दो तीन बार, 1000 में दोनों का क्या, हां विदाउट ट्रेनर 800 बहन चलेगी भी वो, पर पहले वहां जाना, हां पहले मंदिर होके करना है, ये थी करना है, चलो अच्छा पहले 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 भैया मंदिर होके फिर जाओ ना मंदिर, नहीं नहीं जय जय श्री शंकर। हर हर महादेव। यहाँ पे लिया है कुलचा, ये तो नारियल है, और नारियल है इस पे सब कुछ मिक्स है, नारियल चाहे कुलचा है, नारियल जैसा सा टेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगा, सो गाइज यहाँ गुलमार्ग में ही ये ड्राई फ्रूट कुलचा दे रहे हैं, विच इज़ अ कश्मीरी फ्रूट, अच्छा था आप ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज दिस मंदिर सबको पता ही होगा, यहाँ पे जय जय शिव शंकर जो सॉन्ग है मूवी का वो शूट हुआ है, सो इसलिए बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, आप यहाँ पे आए दर्शन करें, इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों पे भोले बाबा के दर्शन ना किए तो क्या किया, कैसा है ये बहुत अच्छा है। डाइट गई, अब चलते हैं, अब हम करेंगे स्कीइंग। हमारी स्कीइंग हो गई है, चलिए भैया स्टार्ट, चेहरा छुप गया आपका, नीज को बेंड करो, बॉडी को बेंड करो, पूरा आगे, ये तो अपने आप भाग रही है, सूत्र तो ऐसे इस तरह है ना, इसको ये ले दीजिए गाइस, लेट्स सी गलती होता है होती है, अरे तो जा खड़े नजर दूर नजर दूर, इधर देखो कैमरा की तरफ, सो गाइस These are skiing boots. ये बहुत ज़्यादा ही heavy हैं. Yes, but come here, baby. So guys, skiing is awesome. अलग रश आ रहा है, मज़ा आ रहा है. हाँ, अच्छा मज़ा. अभी हमने एक ट्रेनर हायर करा है, वो हमारी स्कीइंग पकड़ के आगे जा रहे हैं ऊपर टॉप पे, अब देन हम टॉप से आएंगे नीचे। अब ये लोग क्या करते हैं ना कि कैरी करने का बाद में पैसे तय करने के बाद अलग से मांगेंगे, तो विद हेल्पर इन्होंने बताया था 4250 रुपीस अभी एक बंदे को, हमने 600 में हायर किया टोटल विद स्कीइंग प्लस ट्रेनर, आफ्टर स्कीइंग इन्होंने हमें कहा हम आपकी स्कीइंग उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे उसका 200 एक्स्ट्रा लेंगे, सो या दिस काइंड ऑफ स्कैम यहाँ पे होता रहता है। सी दिस इज माय ट्रेनर, भैया ने बोला मुझको नहीं लेना, मुँह छुपा के चल रहे हैं। So guys, skiing हो गई है, बहुत fun था, an amazing experience. Yes, यहाँ पे आओ skiing जरूर try करना, क्योंकि skiing यहीं पे होती है, बाकी sledge village तो आपको सोनमार्ग में भी मिल जाएगा। चलो bye bye my skiing. So guys, अब हम काफी ऊपर चढ़ के आ गए हैं एंड यहाँ पे आराम से बर्फ में लेट गया, सी दूर दूर तक कोई नहीं है और अब फिर से बारिश शुरू हो गई है, बट एकदम पीस है, रिलैक्स। तो गाइस लोग हम वहाँ से आए हैं पूरा ऊपर चढ़ के, और ऊपर जाने की
हिम्मत नहीं हुई, पूरा ऊपर है, बट लुक एट द व्यू, दिस इज अमेजिंग. दैट इज द शिव टेम्पल, यानी पूरा है गुलमार्ग. गाइज लुक एट द वेदर नाउ, कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत सब कुछ इनविजिबल हो गया, एकदम क्लाउड्स आ गए हैं सब जगह. गाइज लगता है बर्फ गिरने वाली है, बारिश होने लगी और विजिबिलिटी जीरो. चलते हैं वापस फटाफट यहाँ से. यार मुझे डर लग रहा है यहाँ फिर से जाते हुए. डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो. पता कि बर्फ है कि नदी है तो ही पड़ेगी सबसे पहले. रुक जाओ, दिस इज वेरी स्लिपरी, वेरी रिस्की, गिर जाएगा यार. गाइस लुक एट दिस, चल थोड़ा स्लिप होगा, वी कैन डू दिस, इजी इजी इजी. गाइज लुक कार क्रिएटिविटी, स्नोमैन, ये इस पे कलर डालो. इस पे बहुत टाइम लगा हमको बनाने में ना, थोड़ा हमको लगा अराउंड 20 मिनट्स इसको बनाने के लिए. नहीं 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 नहीं, लेट्स इसके गर्दन तोड़ देते हैं. तोड़ दे. ओ 1 2 3 गो. 1 2 3 स्नोमैन की धज्जी उड़ गई. सो गाइस वी जस्ट हैड अ मैगी, यहीं पे थोड़ी सी शॉप्स बनी है, यहीं पे खाया. बारिश हो रही थी तो अंदर बैठ के खाया. अभी थोड़ी बारिश रुकी है बट हम थक चुके हैं, लाइक वी आर टायर्ड ऑफ स्नो एज वेल. तो अब चलते हैं वापस, जा रहे हैं, पहले ही रिटर्न कर देते हैं जैकेट एंड शूज़, देन बैक टू श्रीनगर. आज हमारा स्टे भी वहीं है. सो चलते हैं अब वापस, बहुत हो गया फन, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है एंड पैर बिल्कुल नम हो रखा है क्योंकि शूज़ में ना पानी भर गया है और वो बर्फ़ हो रखी है. चलते हैं पहले फटाफट शूज़ रिटर्न करते हैं फिर वापस. तो गाइज अब हम वापस आ चुके हैं गुलमार्ग से घूम के अपने रूम पे. सो गुलमार्ग वाज ऑसम, बहुत सही रहा. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना गोंडोला राइड और पहले से ही बुक करके जाएं. गोंडोला राइड ऑनलाइन ही होता है वो, वैसे नहीं होता है. सो या बाकी सब ओके था. नीचे हमें बर्फ मिल गई बट गर्मियों में नहीं मिलती है. तो अभी के लिए सिया, कल जाएंगे हम सोनमार्ग. तो अब मिलती हूँ आपसे सीधा सोनमार्ग में. गुड नाइट. कंटिन्यू.